लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट बेरल मॉडल। हमारा एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है हिटाची पेमेंट सर्विसेज से, व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए। व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में मैं लास्ट वन ईयर या वन एंड हाफ ईयर्स पहले मैं व्हाट इज व्हाइट लेवल एटीएम इसके बारे में मैंने डिस्कस में बताया था। उस वीडियो में आप देख सकते हैं क्या व्हाइट लेवल एटीएम होता है। अभी हम लोगों का ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज का जो मनी स्पॉट एटीएम आता है उसका व्हाइट लेवल एटीएम का एक नया मॉडल आया है। उस मॉडल का नाम हम लोग बोल रहे हैं बेरल मॉडल। अभी ये मॉडल हम लोगों का पिछले जितने भी मॉडल्स थे उससे ज्यादा अच्छा मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एसडी का इन्वेस्टमेंट वो बहुत कम है कंपेयर टू ओल्डर मॉडल। ओल्डर मॉडल हमारे पास था गार्नेट मॉडल, कोरल मॉडल, टॉपर्स मॉडल, इन सब मॉडल से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं क्या ये मॉडल है और इस मॉडल में हम लोग को कैसे प्रॉफिट मिलता है। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 800 तक ट्रांजेक्शन, मतलब मेरा 1 ट्रांजेक्शन से लेके 800 ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मीन्स नंबर ऑफ कार्ड हिटिंग, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो 0 से 800 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, जो एक मंथ में होगा। अब 800 ट्रांजेक्शन को 30 का महीना हुआ तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, वो अप्रॉक्स 27 ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से आएगा। तो इतना जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमारे, हमको एज ए फ्रेंचाइजी कुछ नहीं मिलेगा, 0 रुपीज मिलेंगे। क्योंकि ये जो 0 से लेके 800 ट्रांजेक्शन का जो कॉस्टिंग है वो हिटाची अपने पास रखेगा, बिकॉज वो आपको एक एसेट देता है, आपके रूम का इंटीरियर बना के देता है, 9 साल का जो एग्रीमेंट होता है, WLA का एग्रीमेंट होता है 9 साल का, 9 साल के एग्रीमेंट के लिए आपको जितना भी सर्विस देना या सब कुछ करना, सबके पीछे जितना भी कॉस्टिंग होता है वो ये 0 से लेके 800 जो मंथली ट्रांजेक्शन है इसमें वो अपना पैसा बनाएगा, वो जो एसेट का कॉस्टिंग है सब कॉस्टिंग निकालेंगे आपसे। आप उसके बाद आपका जैसे 801 से 1500 ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन होगा, मतलब 801 से 15000, मतलब 1500 तक का जितना ट्रांजेक्शन होगा मंथली, नॉट डेली, मंथली जितना ट्रांजेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको 11 रुपए मिलेगा। और तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फॉर एन एग्जाम्पल आपका ट्रांजेक्शन रहा 1500 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, तो आप 800 से 1500 को माइनस करेंगे, 1500 को 800 से माइनस करेंगे तो ये जो 700 ट्रांजेक्शन है इसके लिए आपको 11 रुपए मिलेगा। ये नहीं कि आपको पहले ट्रांजेक्शन से लेके ये 1500 ट्रांजेक्शन तक की आपको 11 रुपए मिलेगा, सिर्फ 801 ट्रांजेक्शन से 1500 ट्रांजेक्शन के बीच आपका कोई स्लैब रहा, फॉर एन एग्जाम्पल 1400 रहा, 1300 रहा, 1350 रहा, कुछ भी रहा, उतने ट्रांजेक्शन को आप 11 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैश ट्रांजेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, तो ये कैश ट्रांजेक्शन में आपको 11 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अभी एक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आपका पूरे महीने में 801 ही ट्रांजेक्शन हुआ, सिंगल ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए नॉर्मली एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको 11 रुपए, मतलब कमीशन बनता है 11 रुपए। नेक्स्ट आपका जैसे 1501 से लेकर 2000 तक का ट्रांजेक्शन हो गया, 1501 से लेके 2000 तक का ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये जो 500 ट्रांजेक्शन है इस 500 ट्रांजेक्शन के लिए आपको 500 ट्रांजेक्शन के लिए यू विल गेट 12 रुपीस कमीशन फ्रॉम द साइड ऑफ हिटाची, तो आपको ये 12 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब उससे ऊपर का स्लैब क्या है, अब 2001 से ऊपर, जैसे आप 2001 से ऊपर का ट्रांजेक्शन चला गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो कमीशन है दैट विल इंक्रीज टू 13 रुपीस। आपका कैश ट्रांजेक्शन जैसे 2001 से ऊपर चला गया आपको 13 रुपीज करके मिलेगा, और नॉन कैश के लिए आपको 2 रुपीज करके मिलेगा। अच्छा, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है नॉन कैश के लिए भी, आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का ये 1 रुपए या 2 रुपए तभी मिलेगा जब तक आप ये 800 ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन आप टच नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप महीने में 800 ट्रांजेक्शन टच नहीं करते हैं, उस केस में आपको नॉन ट्रांजेक्शन में भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू टच मिनिमम 800 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, देन आपका क्या है इसमें, हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, इसमें आपको 50,000 रिफंडेबल फी है प्लस 35,000 और 18% जीएसटी ए नॉन रिफंडेबल फी है जो बनता है 41,300। हम 50,000 को और 41,300 को प्लस करेंगे 91,300 रुपीस आपका ओनली एसडी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है आपको।
और ये जो 50,000 रुपए है ये इसका एग्रीमेंट ईयर होता है, एज होता है 9 ईयर्स का। अब 9 ईयर्स के बाद जैसे आपने आप ये साइट क्लोज हो जाएगा, ये एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, देन आपको ये 50,000 रुपए वापस आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि मैंने क्यों बोला पहले मॉडल से ये मॉडल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कंपनी आपको इंटीरियर खुद बनाकर देता है, इंटीरियर का कोई कॉस्टिंग नहीं लेता है, पूरा ब्रांडिंग करके देता है, साइनेज, ग्राउंडिंग, मशीन, सब कुछ का सर्विस देता है। उस सर्विस के लिए वो 800 ट्रांजेक्शन ले रहा है, पर उससे ज्यादा वो कॉस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या 91,300 ये है, और हमारा पुराना गार्नेट और टॉपर मॉडल में था 229,800। हम 91,000 को 91,300 को इससे माइनस करेंगे, लगभग 38,500 के करीब हम लोगों को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। 1,35,000 के करीब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कम जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि मेरा 1,38,000 बच रहा है, मैं वो पैसा एटीएम बॉक्स में रख सकता हूँ, उससे मैं ट्रांजेक्शन करा सकता हूँ। मैं जितना पैसा रखूंगा, जितना मेरा ट्रांजेक्शन होगा, उतना ही मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और मेरा मिनिमम स्लैब जो 2000 है, मैक्सिमम स्लैब जो है उसको मैं क्रॉस कर पाऊंगा। अभी यहाँ पे हम लोगों का डर कहाँ पे आता है? डर यहाँ पे आता है कि हम लोगों का डेली का 27 ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो। अभी जो लोकेशन 27 ट्रांजेक्शन नहीं देता है, दैट मींस वो लोकेशन प्रॉफिटेबल नहीं है, ना ही हिटाची के लिए प्रॉफिटेबल है, ना ही हम लोगों के लिए एज ए फ्रेंचाइजी जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए ये प्रॉफिटेबल है। ये लोकेशन में मिनिमम आप श्योर हो जाइए कि 27 ट्रांजेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, और 27 ट्रांजेक्शन आप यू हैव टू श्योर मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन आपके वहां से निकलेगा तो ही आपको किसी भी मॉडल में प्रॉफिट है, क्योंकि 100 ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाई बाई 30 डेज मतलब 3000 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ, तो 3000 ट्रांजेक्शन जो मैक्सिमम स्लैब है 2000 को ऑलरेडी क्रॉस करता है, तो मैक्सिमम स्लैब 13 रुपए में उसमें कमीशन आपको मिलेगा, तो आपका जो अर्निंग है तो आपको ज्यादा मिलेगा। और गार्नेट मॉडल में जिसमें आपको या बाकी मॉडल में आपको 6 रुपए कमीशन मिल रहा था, 6 रुपए से 8.5 तक का कमीशन था, वहां पे आपको मिनिमम स्लैब यहाँ 11 रुपए से स्टार्ट होता है, 12 रुपए और 13 रुपए तक आपको कमीशन मिलता है। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, मैंने खुद कैलकुलेशन किया है, आपका 60 ट्रांजेक्शन बेरल मॉडल में होता है और आपका 60 ट्रांजेक्शन गार्नेट मॉडल में होता है, इसमें ज्यादा इनकम देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरा कम है और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ ज्यादा है। और हमारे कंपनी के साथ आप आके जुड़ के अपना फ्रेंचाइजी मॉडल का एटीएम बैठाएंगे, हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जोन में अपना ऑलरेडी बहुत सारे साइट लगा चुके हैं, तो हम लोग बेरल मॉडल में ऑलरेडी बहुत सारे साइट लगा चुके हैं। हमारा कंपनी का एक रूल्स है, हम लोग मिनिमम 4 लाख रुपीज CLA फंड कैश लोडिंग, जिसको आप बोलते हैं कैश लोडिंग फंड, वो हम लोग यूज करने के लिए बोलते हैं, एटीएम में रोल कराना ही होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट, मतलब जिस दिन आपका एटीएम कैश लाइव हुआ, जैसे मेरा आज गया इंजीनियर मेरे एटीएम को लाइव करके पहला स्लिप निकाला, उसी दिन से मुझे 4 लाख रुपए रोल करना है। हम लोग पहले होपलेस हो जाते हैं कि पहले मेरे 20 ट्रांजेक्शन निकल रहा है, 19 ट्रांजेक्शन निकल रहा है, 30 ट्रांजेक्शन निकल रहा है, मैं होपलेस हो गया। बिजनेस मतलब ओवरनाइट इनकम नहीं होता है, ट्रांजेक्शन को पता लगने के लिए या एटीएम को पता लगने के लिए मिनिमम 60 to 90 days का टाइम देना पड़ेगा आपको। 90 days के बाद ये 4 लाख रुपए मेंटेन करेंगे, आपका वहां 100 ट्रांजेक्शन पहुंचेगा, आपका लोकेशन फ्रंट ऑफ द रोड होना चाहिए, मार्केट एरिया में होना चाहिए, किसी जंक्शन के मुंह पे होना चाहिए, जहां पे अच्छा क्राउडेड आदमी लोग आना जाना करें, वहां पे बहुत क्राउड है, उसी एरिया में आप लोग एटीएम बैठाइए। मेंटेलिटी में ये मत लाइए कि मेरे को अपने घर के नीचे एटीएम बैठाना है या ऐसा किसी लोकेशन में एटीएम बैठाना है कि जहां पे मेरे को रेंट कम मिल रहा है तो मैं वहां बैठा लूं, ये ना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है ना ही कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। आप ऐसे जगह एटीएम रेंट पे लेके बैठाइए जहां पे आपको लगता है कि वहां 100, 150, 200 ट्रांजेक्शन जाएगा तो आपको प्रॉफिट निकलेगा इस बिजनेस से। इस बिजनेस में आप 150, 200 ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको महीने में 50, 60, 70 हजार रुपए तक आराम से कमीशन मिल जाता है। तो 4 लाख रुपए आप हम लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम लोगों ने निकाला है कि 4 लाख का मिनिमम कैश लोडिंग आपको करना है, क्योंकि आपको मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन निकालने के लिए 4 लाख रुपए मेंटेन करना है। एग्जाम्पल, हर कोई जो कस्टमर मेरे एटीएम में आएगा, हर कस्टमर मेरे एटीएम से 10,000 रुपए नहीं निकालेगा, कोई मेरे से
₹500 निकालेगा, कोई ₹400 निकालेगा, कोई 10,000 निकालेगा, कोई 5,000 निकालेगा, कोई 3,000 निकालेगा, ऐसे करके हम लोगों ने देखा है कि ₹4,00,000 इज द एनाफ अमाउंट टू मिनिमम यू विल गेट मिनिमम ट्रांजेक्शन ऑफ 3,000। इट मीन्स आपका दिन का 100 ट्रांजेक्शन निकलेगा। तो ये जो बेरल मॉडल है कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये बाकी का बहुत सारे मॉडल से या पुराने मॉडल से कई गुना ज्यादा अच्छा है और ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे भले ही इनकम ना दे, बट आपका जैसे 60 ट्रांजेक्शन घुस जाता है तो आपको बाकी मॉडल से ज्यादा देता है। और आप खुद सोचिए, आपका 60 ट्रांजेक्शन नहीं आता है तो आप बिजनेस कहाँ करेंगे, आपको क्या प्रॉफिट आएगा, ना ही आपको प्रॉफिट आएगा ना कंपनी को प्रॉफिट आएगा। तो यू हैव टू सी योर विद योर लोकेशन that you will get minimum transaction of 3000 means आपको डेली का 100 ट्रांजेक्शन निकलेगा, then you have to go with this location. If that location in market area or in junction, bus stop और कोई अच्छा commercial places है, आपको ये confirm होना है कि मेरा point of interest जिसको हम POI बोलते हैं, क्यों मेरे यहाँ transaction होगा, ये आप clear है, आप हमारे साथ आके जुड़िए। हम लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर और डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग ये नया नया वीडियो डालते हैं और आगे भी डालते जाएंगे। आपको कोऑपरेशन करने के लिए और WLA ATM को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा सपोर्टिव है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जोन में और बाहर के भाइयों के लिए भी जो हमारे बाहर के हैं, बाहर के दूसरे जोन के भी हैं, उससे वो लोग भी हमारे से नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।